आईपीएस नीना सिंह को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली वे पहली महिला बनी हैं। आपको बता दें कि नीना सिंह फिलहाल सीआईएसएफ की स्पेशल डीजी की पोस्ट पर थी। 1979 बैच की बिहार की रहने वाली आईपीएस नीना सिंह का रिटायरमेंट 31 जुलाई 2024 को होगा, लेकिन तब तक वह सीआईएसएफ की महिला प्रमुख बनी रहेंगी। इससे पहले नीना राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजीपी भी रह चुकी है। इस दौरान उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने 2013 से 2018 के बीच सीबीआई में संयुक्त निदेशक का पद भी संभाला। इस दौरान उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है, जिसमें शीना बोरा मर्डर केस भी शामिल थी। इसके बाद वह 2021 से सीआईएसएफ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।